दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे एक और नई वीडियो के अंदर। और आज के टाइम में मेरे पास मेरी वीडियोस के कमेंट्स के अंदर सबसे ज़्यादा जो कमेंट किया जा रहा है वो है Realme UI 2.0 का स्टेबल वर्जन कब आएगा, स्टेबल वर्जन कब आएगा। क्योंकि Realme ने बहुत टाइम पहले ऑलमोस्ट दिसंबर के आसपास अनाउंस किया था कि Realme 7 Pro और Narzo 20 Pro के अंदर Realme UI 2.0 का स्टेबल वर्जन मार्च के लास्ट वीक तक आ जाएगा। तो मार्च का एंडिंग चल रहा है, तो अब काफ़ी सारे लोग हैं, मतलब ऑलमोस्ट सारे ही यूज़र जो हैं वो Realme UI 2.0 का स्टेबल वर्जन चाहते हैं। क्योंकि Realme UI 2.0 बीटा वर्जन जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा है उन सभी को, इवन मेरे को भी काफ़ी ज़्यादा परेशान किया हुआ है सॉफ्टवेयर ने, चाहे वो परफॉर्मेंस रिलेटेड हो और बग्स कितने सारे हैं उसके अंदर, और उसके बाद लैग कितना ज़्यादा कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ रही है Realme UI 2.0 बीटा वर्जन जो भी यूज़ कर रहा है उन सभी को। और स्पेशली C.18 का जो अपडेट आया था उसके बाद तो फ़ोन की हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरे पास Realme 7 Pro है और ये बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है और लैग इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा है, ऐप क्रैशेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेस करने पड़ रहे हैं मेरे को। एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ, तो जैसे कि मैं यहाँ पर सेटिंग में जाता हूँ, ये देखो, तो सेटिंग के अंदर गए, सॉफ्टवेयर अपडेट यहाँ पर ये थर्ड नंबर पे है, इसे मैं क्लिक करता हूँ तो देखो ये वापस सेटिंग के अंदर आ रहा है। अब ऐसा पता नहीं क्यों हो रहा है, मैंने फ़ोन को रिस्टार्ट भी कर लिया है बट फिर भी ये दिक्कत इसके अंदर आ रही है। बट आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं Realme UI 2.0 का स्टेबल वर्जन कब आएगा। मेन चीज़ यही है क्योंकि काफ़ी सारे लोग जानना चाहते हैं इस बात को, तो क्या यहाँ पर मैं आपको एग्जैक्ट डेट नहीं बताऊँगा। काफ़ी सारे लोग जो हैं वो थंबनेल के अंदर बेवकूफ़ बना रहे हैं यूज़र्स को और लिख के कि भाई कंफर्म डेट आ गई है, ये आ गया है, वो आ गया है, ऐसा कुछ अभी तक नहीं आया है। बहुत सारी स्पेकुलेशंस थी कि भाई लास्ट मार्च के लास्ट वीक तक ही Realme UI 2.0 का स्टेबल वर्जन Realme 7 Pro Narzo 20 Pro के अंदर आ जाना चाहिए था या फिर आ जाएगा। तक मेरे को लगता है ऐसा मुश्किल है, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है जिस हिसाब से Realme का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उस हिसाब से मुझे लगता है कि मार्च की जगह ये बात जाएगी अप्रैल तक। अब हो सकता है अप्रैल के फर्स्ट वीक तक ये Realme UI 2.0 स्टेबल वर्जन का जो रोल आउट है वो होना शुरू हो, या फिर हो सकता है इसका बीटा वर्जन का एक और अपडेट Realme जो है वो लॉन्च करे या फिर रिलीज़ करे Realme 7 Pro के लिए, क्योंकि अभी तक इसके जो बग्स हैं वो ठीक नहीं हुए हैं और ज़्यादा इसके बग्स जो हैं वो निकल कर आ रहे हैं। तो जहाँ तक मुझे लगता है स्टेबल वर्जन आने में अभी मतलब जितना उम्मीद था उससे ज़्यादा ही टाइम लगने वाला है। तो आप Realme UI 2.0 स्टेबल वर्जन का वेट कर रहे हो काफ़ी टाइम से और आपको लग रहा है या फिर आपने कहीं देख लिया कि भाई मार्च के एंड तक Realme UI 2.0 का स्टेबल वर्जन आ जाएगा, अपने माइंड के अंदर ये बात बिठा के रखो कि भाई Realme UI 2.0 का स्टेबल वर्जन मार्च की जगह अप्रैल तक ही आएगा। अब वो हो सकता है फर्स्ट वीक में आ जाए या फिर मिड अप्रैल तक ही ये आ पाए। तो ये एक क्लियर करना था मेरे को अपने सभी व्यूअर्स के लिए। तो अगर आप Realme UI 2.0 स्टेबल वर्जन का वेट कर रहे हो तो मार्च की जगह अप्रैल तक आपको वेट करना पड़ सकता है। एग्जैक्टली नहीं बता रहा मैं, क्योंकि हो सकता है Realme इस बार कुछ आउटस्टैंडिंग काम कर दे और मार्च के एंड तक ये रोल आउट करना शुरू कर दे, बट ऐसा बहुत मुश्किल है। तो ये थी वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट कर देना या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।